मुंबई के इस संकल्प को मैं एक अलग तरीके से समझना चाहूंगा, जो आर्थिक राजधानी पर चोट थी और आज भारत जो चल रहा है। आज प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, मुंबई में ही देश के शीर्ष उद्योगपति उद्यमी अंबानी जी तो 40 ट्रिलियन की बात वो कर रहे हैं और $40 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो बात कर रहे हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था का ये कायाकल्प कैसे होगा और उसमें मुंबई का संकल्प कितना काम करेगा, कैसे करेगा, आप इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मुंबई एक आर्थिक राजधानी नहीं है तो एक प्रकार से एक ये ग्रोथ इंजन है। आज हम लोग विचार करें तो देश के करीब करीब 30% स्टार्टअप्स ये महाराष्ट्र में और मुंबई में, और देश के 25% यूनिकॉर्न्स ये भी महाराष्ट्र में मुंबई में। तो एक प्रकार से जो नई अर्थव्यवस्था है, ये नई अर्थव्यवस्था ये जिस गति से आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि हम लोग एक अपनी गति होती है, एक अपना 7%, 8%, 9% से हम ग्रो करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे जाती है। जो देश में आज दुनिया में हम सबसे तेजी से गतिशीलता के साथ जाने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी एक ऐसा डिसरप्शन है कि जो इसकी गति बहुत तेजी से बढ़ाता है, जो वैल्यू बहुत प्रचंड तरीके से क्रिएट करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गतिशीलता अर्थव्यवस्था की है, इसको लाने का काम ये मुंबई करेगी। और हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि मुंबई और मुंबई के आसपास, यानी मैं मुंबई को केवल मुंबई आइलैंड सिटी नहीं मानता, ये जो MMR रीजन है, ये MMR रीजन एक ग्रोथ सेंटर के रूप में आने वाले दिनों में काम करेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे हम लोग तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र को हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करना चाहते हैं, लेकिन अकेले मुंबई में ये पोटेंशियल है कि मुंबई और MMR रीजन कैन बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और उस दृष्टि से हम लोगों ने बड़े पैमाने पर निवेश शुरू किया है।